अगर रहना है आपको स्वस्थ बिल्कुल, तो सब्सक्राइब कीजिए मेडिसिन गुरुकुल। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन गुरुकुल में। आज हम पेट के कीड़ों के बारे में बात करेंगे कि पेट के कीड़े होते हैं तो उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, और अगर होते हैं तो इसको ख़त्म करने की कौन सी मेडिसिन है या कौन सी मेडिसिन डॉक्टर द्वारा दी जाती है। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हेल्थ से जुड़ी अच्छी जानकारियाँ हम आपको इस चैनल पर लाते जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेट में कीड़े होना कोई आम प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम जिसको भी होती है उसको काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, उसके शरीर में काफ़ी बीमारियां हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम बच्चों में ही हो, ये प्रॉब्लम बड़ों में भी होती है। तो इसके क्या क्या लक्षण हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। आपके फेस पर सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ने लगते हैं, चकत्ते टाइप के पड़ने लगते हैं अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो। सोते समय आपके मुंह से लार निकलती है, उसका ये लक्षण है। आपका पेट का साइज बढ़ने लगता है, साथ ही साथ आपके हाथ पैर मुंह सूखने लगता है, मतलब हम दुबले होने लगते हैं और पेट का साइज बड़ा होने लगता है। कभी कभी पेट में कीड़े होने की वजह से हम लोगों को लूज मोशन भी होने लगते हैं, या फिर उल्टी की वॉमिटिंग जैसी फील आती है, जी मचलाने लगता है, कभी कभी फीवर भी आने लगता है, मतलब हम लोगों को बीमारियाँ एक तरह शरीर में लगने लगती हैं पेट में कीड़े होने की वजह से। भूख काफ़ी ज़्यादा लगेगी और खाना शरीर में नहीं लगता है, इसके काफ़ी ऐसे रीजन्स हैं। पेट में कीड़े होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। पेट में कीड़े होने पर एल्बेंडाजॉल टैबलेट दी जाती है, डॉक्टर एल्बेंडाजॉल टैबलेट ही पेट में कीड़े होने पर लिखते हैं। ये टैबलेट एक फार्मूला है, इसको काफ़ी नामों से अलग अलग कंपनियां मार्केट में सेल करती हैं, जिसमें जेंटल और बैंडी दोनों ब्रांडेड कंपनियां हैं। जेंटल जीएसके कंपनी का प्रोडक्ट है और बैंडी मैनकाइंड कंपनी का प्रोडक्ट है, दोनों ब्रांडेड है, हर केमिस्ट पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये दो फॉर्म में होते हैं, एक टैबलेट और एक सीरप फॉर्म में। सीरप बच्चों को दिया जाता है जिसमें 200 mg एल्बेंडाजॉल पड़ा होता है, और टैबलेट एडल्ट ग्रुप के लोगों को दिया जाती है, मतलब बड़ों के लिए दी जाती है, जिसमें 400 mg एल्बेंडाजॉल पड़ा होता है। बच्चों के लिए क्या 2 साल से बड़े ही बच्चों के लिए दें, जो मतलब टैबलेट नहीं खा सकते उनको सिरप दिया जाता है 200 mg। रात में सोते समय खाना खाने के बाद 200 mg का सिरप आप पूरा एक पिला दीजिए। 6 महीने तक आपको कोई फिर एल्बेंडाजॉल का सिरप नहीं पिलाना है, एक सिरप 6 महीने तक वर्क करता है। साथ ही यही एडल्ट ग्रुप के लिए एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद खानी रहती है, जेंटल या बैंडी नाम से आप ले सकते हैं, 8 रुपये लगभग कॉस्ट की टैबलेट होती है, और सिरप 15-16 रुपये कॉस्ट का सिरप होता है। आप एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद सोते समय इसको चबा कर खा लीजिए, मीठी टैबलेट होती है, चबाने में कोई दिक्कत नहीं, चबाने अच्छा रिजॉल्व हो जाती है, और पानी पी के आप उसको सो सकते हैं। एक टैबलेट 6 महीने में खाई जाती है, हर व्यक्ति को ये टैबलेट 6 महीने में खा लेनी चाहिए, जिससे पेट में हो रहे इन्फेक्शन को भी ये ख़त्म कर देगी। जेंटल या बैंडी नाम से आप मार्केट में उसको ले सकते हैं, हर केमिस्ट पे आपको ये आसानी से मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमसे कोई भी प्रॉब्लम की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।